गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे भाइयों ने राम राम, बड़े बूढ़े ने राम राम और बिहार में कहते हैं प्रणाम। तो दोस्तों, मैं गरोल चौक से 5 किलोमीटर तकरीबन अंदर आया हूँ। ये खोरा बरतर नाम है यहाँ गांव का। मेरे पीछे पानी देख रहे हो और इधर ये साइड भी पानी है। ये जो मैं रोड पे खड़ा हूँ, ये लास्ट रोड है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसके तहत ये रोड बना था। तो दोस्तों, समस्या यहाँ पे ये है कि जब ये चारों तरफ पानी भर जाता है क्षेत्र में, तो लोग यहाँ पे जीवन यापन कैसे करते हैं। तो मैं तो दोस्त यहाँ पे रहा नहीं कभी, यहाँ पे कभी रहा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ की समस्या मैं कैसे जानूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक ग्रामीण है, तो मैं उनका सहारा लूँगा और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जिनेश लाल यादव। और मतलब तकरीबन आप यहाँ कब से रहते हैं? मेरा तो जन्म स्थान है यहाँ का, समस्या तो जटिल ही है। और मैं ये सड़क देख रहा हूँ, ये नीचे सड़क, ये सड़क आपको कब मिला और यहाँ कब से? एक साल पहले ही सड़क मिला है। एक साल? जी जी जी। और 2019 में सड़क मिला जी, 20 में फाइनल हुआ है। 20 में फाइनल हुआ है। जी जी जी। और ये चारों तरफ जो पानी है, इसको देखकर और आप मतलब इसमें अपना जीवन कैसे यापन करते हैं? बस नाव से अपना यातायात, माल मवेशी, गोधान पात्र यहाँ होता नहीं है। कष्ट हम लोग को, जिंदगी तो कष्ट में ही है, कष्ट में ही है। इसको देखने लिखने वाला कोई नहीं है, न सरकार है, न यहाँ के MLA है, न MP है। हम लोग अपनी समस्या से जूझ रहे, किसी न किसी अपना जीवन यापन करते हैं। और जब यहाँ पे सड़क नहीं थी यहाँ पे, और लाइट आपको कब से मिल रही है? लाइट आपको 2018 से। 2018 से। उससे पहले लाइट? उससे पहले कोई लाइट नहीं थी। मतलब किसी जमाने में रही होगी? जी नहीं, मेरे यहाँ कभी नहीं। प्रथम जीवन मेरे जीवन में, मेरे बाप दादा के जीवन से लेकर के हम लोग के जीवन, पहली बार 18 में लाइट आया है। 18 में लाइट आई है। जी जी। तो दोस्तों, आपने समझा कि 2018 में यहाँ पे लाइट आई है और 2020 में सड़क बनी है। और ये पानी की समस्या को एक बार और समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन सी फसल ले लेते हैं इस खेत से, यहाँ की जमीन से? बस गेहूँ और मक्का। उसमें भी बहुत पछता, गेहूँ मक्का होता है। अच्छा। और जैसे गेहूँ मक्का, तो आप मतलब जितना गेहूँ मक्का रोपते हैं या लगाते हैं, वो आप पूरा घर पहुँचा देते हैं? नहीं, लास्ट में पानी उन्हें आने के बाद आधा खेत में रहता है, आधा घर पर आ जाता है। आधा खेत में रह जाता है, आधा घर में रह जाता है। जी जी जी। तो आप यहाँ के मतलब ग्रामीण हैं? ग्रामीण है। और यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था क्या है? चौपट है। चौपट है। चौपट। चौक से आपका घर कितनी किलोमीटर पड़ता है गरोल चौक से? 5 किलोमीटर दक्षिण। 5 किलोमीटर दक्षिण। जी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं और आप यहाँ की आवाज़ को क्या रखना चाहते हैं? हम यही सोचते हैं जो हमारा क्षेत्र कल्याण हो, यहाँ पानी का वंचित हो, यहाँ की स्थिति खराब है, हम लोग का जीवन, बाल बच्चे का भी जीवन जर्जर सीमित रही है, किसी न किसी तरह से हम लोग की समस्या ही समस्या, इससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है। तो ये मेन समस्या, अगर ये रोड नहीं था तो आप लोग मतलब यहाँ पे मतलब बांध तक पहुँचने के लिए किस चीज़ का सहारा? नाव का सहारा लिया करते थे। नाव का सहारा अभी भी लेते हैं। अभी भी लेना जी जी, अभी भी देख रहे हैं ना, ये देखिए नाव, अभी भी नाव का सहारा लिया जाता है, अभी भी नाव, ये देख लो जिंदगी का यापन कैसे चल रहा है, जिंदगी का यापन अभी भी। तो मवेशी वगैरह को तो आप कैसे मतलब यहाँ पालन करते हैं? केचली, जिसको ढकना बोलते हैं जी, वो खिला काट के जी, वही ठठेर है, भूसा है, वही, और क्या देंगे, मतलब उसी का सहारा लेके आपको पूरा मतलब मवेशी को लेके चलते हैं, चलना पड़ता है जी। और मैं आगे देख रहा हूँ वो भट्टा जो है वहाँ पे, वो भट्टा समतल जमीन पे है। हाँ, समतल जमीन, उसमें भी पानी है। पानी है। हाँ, पानी है। तो क्या मतलब आगे भी बांध है? आगे भी बांध है, बलान बांध है। बलान बांध है जी। तो मतलब उस साइड भी पानी रहता होगा जैसे यहाँ? हाँ हाँ, उधर बलान के बांध के पश्चिम भी पानी रहता, उसके बाद भी एक बलान बांध है। बलान बांध है, वो भी बीच में है। हम लोग कोशिश किया और बलान के बीच मध्य बीच में है। मध्य बीच में है। समस्या इसलिए जटिल है, ऐसा समस्या हम लोग को नहीं था। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि मतलब मैंने यहाँ एक ग्रामीण से बात की, लोकल से बात की, तो समस्या तो आप समझ ही रहे हो। खैर, देखने से पता नहीं चलता, जब तक आदमी उसको खुद से अपने मतलब जीता नहीं है तो समस्या का पता नहीं चलता है। तो समस्या को जीने के लिए और देखने के लिए यहाँ पे खुद आना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जितने भी MP विधायक और जितने भी कार्य क्षेत्र नेता हैं,
तो उनको कहना चाहूँगा कि एक बार अपना यहाँ समय दीजिए, देखिए लोगों के साथ क्या समस्या है। और ये बहुत बड़ी आज से समस्या नहीं है, जब से ये पृथ्वी बनी है मेरे ख्याल से तब से समस्या है, तो इसका निदान कीजिए। मेरी आवाज़ शायद हो सकता है कि ऊपर तक जाए, तो बने रहिए अगले ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा।